आज मेरी कहानी का शीर्षक है होमवर्क। सैटरडे था, बच्चा सुबह में स्कूल जाके घर पे आया, उसकी बैग उसके बैग पे हैंग हुई थी। वो घर में एंटर होने के बाद उन्होंने बैग रखा साइड पे और दूर उसके पापा एक कंप्यूटर पे कुछ काम कर रहे थे। तो बच्चा दौड़ के पापा को हग किया। पापा ने बोला, क्यों बेटा आज बहुत हैप्पी हो, आज बहुत खेला स्कूल में, बहुत मज़ा आया। बच्चा ने बोला, नहीं पापा ऐसा नहीं है। तो क्या है, क्यों इतने खुश हो, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन आप मुझे रीज़न बताओ। बच्चा ने बोला कि पापा आज मेरी टीचर ने एक होमवर्क दिया है। अरे होमवर्क देने से तो सब परेशान हो जाते हैं, आप तो बहुत हैप्पी हो, ऐसा कैसा होमवर्क दिया है। बच्चा ने बोला, मेरा टीचर ने बोला है कि कल संडे है तो आपको 10 पर्सन के पास जाना है और ये सेंटेंस बताना है, लाइफ इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड लव योर लाइफ। पापा तो खुश हो गए कि सेंटेंस बहुत अच्छा है, और उन्होंने बोला, ओके बेटा कल संडे है ना, कल हम चले जाएंगे। बच्चा खाना बिना खा के बाहर खेलने चला गया और उसका दिन बहुत अच्छा गया क्योंकि पापा ने सपोर्ट किया था। दूसरे दिन मॉर्निंग में फटाफट वो तैयार होके बाहर आया। अरे पापा अब तैयार नहीं हो, हमको जाना है ना। हाँ बेटा अभी 10 मिनट में मैं तैयार हो जाता हूँ। फिर पापा आए बाहर, दोनों निकलने की तैयारी कर रहे थे। इसमें रेन चालू हुआ और धीरे धीरे करके बहुत हैवी रेन हुआ। पापा ने बोला, मुझे नहीं लगता है बेटा कि अभी हम जाएंगे। बच्चा नाराज़ तो हो गया, लेकिन उन्होंने रिक्वेस्ट किया, पापा हमको गाड़ी में तो जाना है, हम रेन भी एंजॉय करेंगे, प्लीज़ चलो ना। पापा को लगा ठीक है, संडे भी है, चलो जाके आए। दोनों निकले और रास्ते में पापा ने बताया कि हम एक मॉल में जाएंगे, वहाँ तुझे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। बच्चा ने बोला ओके। तो वो लोग वहाँ गए। पापा ने बोला, मैं यहाँ एक सीट पे बैठा हूँ, तो तेरा होमवर्क करके आ जा। बच्चा गया, एक शॉप खुली थी, उसके अंदर शो हुआ थी, तो एक बंदा काम कर रहा था। बच्चा ने बोला, भैया आप थोड़ा नीचे बैठो ना, क्योंकि बच्चा बहुत छोटा था, उसकी हाइट बहुत कम थी। तो वो बंदा थोड़ा नीचे बैठा और बच्चा ने हग किया और बोला, भैया लाइफ इज़ वेरी ब्यूटीफुल, लव योर लाइफ। वो बंदे को समझ में तो कुछ नहीं आया, लेकिन उसको सेंटेंस अच्छा लगा और बच्चे को उन्होंने चॉकलेट दी। ऐसा करके वो आगे गया, वहाँ वॉचमैन था, कोई मेड थी, कोई अंकल था, कोई दादा था, ऐसा करके उन्होंने 9 पर्सन क्लियर करे, सबको मैसेज दे दिया। पापा ने बुलाया कि बेटा अभी घर से मम्मी का फ़ोन आया, हमारा लंच का टाइम हो गया है, यू कम फास्ट। बच्चे नाराज हो गए, पापा एक ही पर्सन बाकी, नहीं अभी कल करेंगे, कल शाम को आएंगे। फिर वो लोग निकल गए, बच्चा खुश नहीं था क्योंकि उसका होमवर्क अधूरा था। फिर जाते जाते रास्ते में घर में एक विंडो ओपन थी, उन्होंने रिक्वेस्ट किया, पापा प्लीज़ 2 मिनट आप ठहरो ना, यहाँ मैं करके आता हूँ। पापा को लगा कि ठीक है, उसका मन है तो करने देते। पापा ने बोला, मैं गाड़ी में बैठा हूँ, तू जाके तेरा होमवर्क ख़त्म करके आ। बच्चा जल्दी जल्दी गया, नॉक किया, किसी ने ओपन नहीं किया। फिर से बच्चे ने नॉक किया, एक ओल्ड लेडी आई बाहर। बच्चा को देख के थोड़ी परेशान हो गए कि अकेला क्यों है। फिर उन्होंने बोला, बेटा क्या काम है। उन्होंने बोला, आंटी आप थोड़ा नीचे झुको ना। क्यों, आप झुको तो सही। आंटी थोड़ा नीचे झुका, बच्चे ने हग किया और बोला, आंटी लाइफ इज़ वेरी ब्यूटीफुल, लव योर लाइफ। आंटी की आँख में से पानी आने लगा और वो कंट्रोल नहीं हो रहा था। दूर से पापा ने देखा कि क्यों रो रहे हैं आंटी, चलो मैं जाऊँ। वो आया, बोला, मैडम एनी प्रॉब्लम, कुछ हुआ। तो आंटी ने बोला, वो ओल्ड लेडी ने बोला, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप अंदर आके बैठो। वो दोनों अंदर गए और उन लेडी ने बात किया कि आज सुबह में 1 घंटे पहले मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए और हम दोनों ही रहते थे। मेरा जो लड़का है वो USA में है और उन्होंने हमारे साथ कोई रिलेशन नहीं रखा है, तो उसको कहने का या बुलाने का मतलब नहीं है। और मुझे ऐसा लगता था कभी मैं जी के क्या करूं, अभी मेरी लाइफ का कोई मतलब ही नहीं है। तो उन्होंने, मैं सोच रही थी कि अभी फैन पे स्ट्रिंग लगा के, दूरी लगा के
मैं भी सुसाइड कर लूँ, और सोच रही थी, उसकी तैयारी कर रही थी, और उन्होंने नोक किया। और उसके सेंटेंस ने मुझे और जीने की एक ख्वाहिश दी, तमन्ना दी और स्ट्रेंथ दी। तो मैंने अभी सोचा है कि मैं वो काम नहीं करूँगी, और उसके लिए मैं थैंक्स ये छोटे बच्चे को बताऊँगी, करूँगी। वैसा करके वो लोग फिर निकल गए, घर गए और मम्मी के पास बात, मम्मी को पूरी स्टोरी बताई। लेकिन इसके पीछे जो हार्द है, जो पाठ है, जो लेसन है, वो ये है कि हर मदर और हर टीचर को बच्चे को एक एक पॉजिटिव सेंटेंस ओनली 2% को आप बता के आओ। इससे क्या होगा कि बच्चे के अंदर वो सेंटेंसेस का एक पाइल होगा और परमानेंटली उसके माइंड में रहेंगे, और वो बंदा भी पॉजिटिव होता जाएगा। और जैसे वो ओल्ड लेडी ने अपनी लाइफ सेव की, वैसे बहुत सारे लोग भी करेंगे। तो बच्चे को ये एक होमवर्क देने की बहुत ज़रूरत है, जिससे हमारे बच्चे को भी बेनिफिट होने वाला है और सोसाइटी को भी होने वाला है। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी एट द एंड ऑफ द स्टोरी।